अरे सिंचन का एक बार झिगा देख जल्दी। सुन रहे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। भाई जल्दी रुको, रोकता हूँ कहीं पर गाड़ी, मेरे को बहुत ज्यादा तेज टॉयलेट आ रही है। उसमें मैं बोल रहा था घर पर करके आना, अब मैं क्या करूँ यार, कभी भी प्रेशर बढ़ सकता है। ओ चलो जल्दी चलता हूँ, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। और भाई बहुत तेज लगी, बहुत तेज, कहीं पैंट में ना निकल जाए। भाग भाग सुमित भाग, यहाँ सही है इस पत्थर के पास कर लेता हूँ। गाइस यार सुमित भैया सही में पागल है यार, देखो कहीं भी अपने टॉयलेट करने लग जाते पागल है सही में। बहुत ज्यादा खराब आदमी है, घर से टॉयलेट करके नहीं आए, पूरे प्रदूषण कर रहे हैं। और लो यार हमारी गाड़ी तो देखो कितनी ज्यादा खराब है, अपने घर पर टॉयलेट करके क्यों नहीं आते। गाइस ये कैसी आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? गाइस क्या है? ओ गाइस यहाँ पर तो कुछ है। अरे ये क्या, इस बंदर को पटरी के ऊपर किसने बांध रखा है? अरे ये बंदर तो फंस जाएगा ऐसे, मुझे इसे बचाना होगा जल्दी सी। आखिर इसको किसने बांधा होगा? ओ नो गाइस ट्रेन आ रही है आगे से, मुझे जल्दी से इसको छुड़ाना होगा। क्या करूँ क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ एक काम करता हूँ, ट्रेन आ रही जल्दी इसकी रस्सियां खोल देता हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अब आखिर क्या हुआ, क्या सिंचन उस बंदर को बचाते बचाते मर गया या क्या हुआ, जानते हैं आगे। अरे ट्रेन जाना। गाइस यार मैंने बंदर को बचा लिया। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया शुक्रिया। आखिर तेरे को इस खतरनाक पटरी के ऊपर किसने बांधा? शुक्रिया। ओए पागल लड़के, तुमने इस बंदर को क्यों खोला? मतलब क्यों खोला? अरे हमने इसको इस पटरी के ऊपर बांधा था। तुम लोग पागल हो क्या, इस बंदर को जो तुमने पटरी पर बांधा? ओए बच्चा ज्यादा मत बोल, तू होता कौन है? मजा आ गया भाई, हल्का हो गया मैं तो सही में। भाई कितना तेज प्रेशर बन रहा था सही में। चलो अपने घर चलते हैं जल्दी सी। अरे ये क्या, अबे भाई सिंचन कहाँ चला गया, गाड़ी के पास ही तो खड़ा था। अबे ये कहाँ चला गया, टॉयलेट करने चला गया क्या? अबे एक सेकंड वहां पर कुछ चल रहा है, आगे जाके देखता हूँ। अबे सिंचन क्या कर रहा है यहाँ पर तू? सुन रहे ये देखो, इन लोगों ने बंदर को पटरी के ऊपर बांध रखा था मारने के लिए। क्या कह रहा है, इस बंदर को पटरी के ऊपर बांध रखा था? अबे तुम लोग पागल हो क्या, एक बंदर को तुम पटरी के ऊपर बांध के मारना चाहते थे। अरे तू तो कौन है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? ये बंदर बहुत चैतान है, ये एक जादुई बंदर है। अरे हाँ हम इसे मारना चाहते हैं। अरे मार दो इसको, और इन लोगों को भी मारो साथ में, इन लोगों ने इस बंदर की जान बचा ली। उसमें बताने इनको तेरी ऐसी तैसी, तुम एक बंदर को मारोगे? मार इसको मार। हाँ मार है मार, तेरी ऐसी तैसी, रुक जा तुम लोग मुझे मारोगे। ए बुड्ढे पीड़ी सी टाट के, तेरी ऐसी तैसी, तेरे को बताता हूँ रुक जा टकले, तेरे को शर्म नहीं आती, एक बंदर को मार रहा तू, ये ले ये ले। उसने वाह मौज कर दी तुमने, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया शुक्रिया। उसने चलो उस तरफ चलते हैं, आखिर बंदर जी आपको वहां पर बांध क्यों रखा था उन लोगों ने? वो लोग मेरी शक्तियाँ लेना चाहते हैं, पर वो गंदे इंसान है, मैं उनको अपनी शक्तियाँ नहीं दूंगा। पर तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, जाओ सिंचन तुम जाके अपने भाई के साथ खड़े हो। ये क्या क्या करना चाहता है तू बंदर? मैं हूँ एक जादुई बंदर, काली शक्तियों का राजा, जादू मंत्र धोखा कलंतर, बंदर बाबा नाचे अंदर। सुन भाई ये क्या हो रहा है? ओ मुझे नहीं पता सिंचन ये क्या हो रहा है। सुमित भाई मुझे डर लग रहा है। ओ ये धुआं ठंडा है बहुत ज्यादा, आ चाट लेता हूँ। अरे ये क्या, अब वो धुआं कहाँ चला गया और वो बंदर भी कहाँ चला गया? ओ सुमित भाई ये क्या था भाई, वो भूत भूत तो नहीं था? सुमित वो कोई जादुई बंदर था, इसलिए गाँव वाले उसे मारना चाहते थे, पर भाई किसी को मारना गुनाह है भाई। सुमित हमने उसकी मदद कर दी, बहुत अच्छा लगा मदद कर कर। चल सिंचन अब एक काम करते हैं, मुझे तो बहुत तेज वाली भूख लगी है, उसमें मुझे भी लग रही है, अब इंजन स्टार्ट हो जाए यार एक गाड़ी भी ना। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मस्त ब्रेड के पकोड़े खाने। उसमें मैं तो चटनी लूंगा हरी वाली, अब मेरे लेके तू मीठी चटनी तक खा, मेरे लगा हरी चटनी था कटनी चटनी तक खा। और गाइस तुम लोग मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें बर्गर किसमें कौन सी चटनी से खाना मजा आता है, या सॉस से मजा आता है या जैम से मजा आता है, जल्दी बताओ यार जल्दी चलो। और हाँ भाई मैं तो भूल ही गया, तो गाइस यार अगर तुम्हें चाहिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट, तो चल इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो बंदर राजा मस्त कलंदर, जो सबसे पहले तीन बंदे लिखेंगे उन्हें देंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट। तो लेट्स गो गाइस। ओ सुमित भाई वो रहा वो वाला रेस्टोरेंट जिसपे मस्त वाले बर्गर मिलते हैं। ओ भाई हॉट डॉग भी खा सकते हैं सिंचन अपा। ओ सुमित हॉट डॉग अच्छे नहीं लगते मेरे को, उनके अंदर वो लाल लाल चीज होती है ना। अब गाड़ी में से उतर तू जल्दी सी। ओ माय गॉड मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, सुबह तो मैंने कुछ भी ना खाया, एक तो दिक्कत ही है सिंचन। ओ सुमित जल्दी चलो फिर, ओ जल्दी भागो रे भागो। ओके लेट्स गो, अंदर आ गया। हेलो मोहतरमा जल्दी से हमारे लिए। अरे भाई क्या है रे भैया, अजीब है चश्मे वाले पागल क्या भाई साहब? मैडम जी चार बर्गर लगा दीजिए। उसमें जल्दी चलो अंदर बैठते हैं जाके इतने। ओह तो गाइस मजा आ गया, चार बर्गर खाकर तो जिंदगी में ऐसे मजे मजे आ गए। उसमें चलो बाहर चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी मुझे जाना है काम पर, चलते हैं भाई साहब। ओहो हो क्या ही मस्त मौसम है। अरे ये क्या है भाई साहब, अबे तुम लोग मेरे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अबे ये क्या आदमी भाई, उसमें पूछो तो। अबे ओ भाई, अबे झुंड बना के मेरी गाड़ी के पास क्यों खड़े हो?
ये गाड़ी मुझे दे दे। है ये गाड़ी मुझे दे दे। ये गाड़ी हीरे की है, तो ये हीरे की गाड़ी कहाँ से लाया? अबे पागल पागल हो गया क्या? ओए सुनचैन, ये हीरे की गाड़ी कहाँ से होगी अपनी? सुनता मुझे नहीं पता। ओ भाई अपने पास एक डायमंड कार है ब्रो। ओ माय गॉड। ओए रास्कल्ला, अपन के हाथ में चाकू देख रहा है? पेट में घुसा दूंगा, गाड़ी हमें दे दे। हाँ गाड़ी हमें दे दे। तेरी ऐसे से चाकू घुसाएगा, तू भी घुसाएगा। जल बैठ सुनचैन, अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले भाई गुंडे बुला ले। ओ भाई सब जल्दी भगा भगा भगा। ओए गाड़ी दे। अब अच्छा गाड़ी दूंगा तुम लोगों को गाड़ी दूंगा मैं अपनी। अब भाई सुनचैन मुझे समझ नहीं आ रही है, डायमंड की गाड़ी कहाँ से आई आखिर? उसमें मुझे खुद नहीं पता। भाई ये क्या चमत्कार है गाइस, यार तुम लोगों को पता आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ तो बताओ यार कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे सही में नहीं पता है भाई आखिर चल क्या रहा है, पर भाई मुझे पता है आखिर ये गाड़ी कहाँ मुझे बेचनी है। उसमें तो शहर के अंदर क्या करने आ गए, तुम्हें पता है ना शहर के अंदर पुलिस वाले टैक्स काट लेते हैं। अब टैक्स वैक्स छोड़, मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी गाड़ी बेचने। देख यहाँ पर भाई खुफिया अंडरग्राउंड रास्ता होगा भाई, वहाँ पर भाई ब्लैक मार्केट के सौदागर रहते हैं भाई, वो इस गाड़ी को मस्त भाव में खरीदेंगे। अब पीछे रह गया भाई वो तो। चढ़ाएगा क्यों ऊपर? अबे नहीं नहीं ओके, तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर नीचे जो गोडाउन है ना, वहाँ पर असल में ब्लैक मार्केट के सौदागर रहते हैं, और इन लोगों से अपनी गाड़ी सेल करूंगा मोटे भाव में और भाई मजे उड़ाऊंगा। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर भाई बहुत कम गाड़ियां, लगता अभी ब्लैक मार्केट में ज्यादा गाड़ियां है नहीं। ओके तो गाइस देख रहे हो वो है ब्लैक मार्केट का सौदागर जो ब्लैक मार्केट में गाड़ियां खरीदता है। ओके भाई साहब क्या हाल है सौदागर जी, कैसे है? अरे समित तुम्हें कैसे आना हुआ आज? अरे मेरे पास आपके लिए एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा लुभाने वाली है। आखिर बार तुम मुझसे तुमने खटारा सी गाड़ी ली थी। अरे पागल देख यहाँ पर, इस बार मैं एक डायमंड कार लेके आया हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? ये तुम्हें डायमंड कार कहाँ से मिली? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस गाड़ी के क्या प्राइस लगाऊं बताओ, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। अरे 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 मुझे पता था आपको ये गाड़ी बहुत पसंद आने वाली है सौदागर जी। बात ऐसी है, ये गाड़ी है डायमंड की, तो मैं इस गाड़ी के लगभग $20 million चाहता हूँ। क्या $20 million? मैं तुम्हें $30 million देता हूँ, पर ये गाड़ी मेरी होनी चाहिए, सिर्फ अपन की। ओके तो गाइज यहाँ पर मैं $30 million में सौदा कर दिया, और यहाँ पर मुझे ये वाली मुस्टैंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, उस वाली गाड़ी को सेल करके मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, तो काफी अच्छी डील रहने वाली है। तो सौदागर जी ये वाली गाड़ी मैं ले रहा हूँ। अरे ठीक है, 2 million की है ये वाली, ले लो तुम। ओके तो गाइज ये वाली गाड़ी हम लोग ले लेते हैं। ओ भाई साहब ये वाली गोल्ड की कैसे हुई गाड़ी? अरे पकड़ो इनको, इन लोगों के पास कोई सुपर पावर है। और भागो सिंचन, जल्दी भाग, जल्दी भगाओ। अब भाई ये जो काले मार्केट का सौदागर है ना भाई, ये लोग हमें पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि गाइस पता नहीं हमारे पास कोई सुपर पावर आ गई है, जिससे यार हम किसी भी चीज को गोल्ड या फिर डायमंड में चेंज कर सकते हैं। जल्दी उतर सिंचन। भाई देख रहा है प्योर गोल्ड की गाड़ी यार ये। सुनता है आखिर हुआ कैसे? मेरे को तो ऐसा लगता है उस जादुई बंदर ने जिसकी तूने जान बचाई थी ना, उसने तेरे को तो डायमंड की पावर दे दी और मुझे गोल्ड की पावर दे दी है। उसमें सही कह रहे हो भाई, क्या ही खतरनाक हो गया भाई सिंचन सब कुछ सौदा। उसमें सही कह रहे हो, अब मौज करेंगे पूरी वाली खतरनाक वाली। अबे सिंचन मुझे नहीं पता था इतनी खतरनाक पावर हमें कभी मिल भी सकती है। भाई साहब तुम लोगों को क्या ही बताऊं, आज तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी भाई, पूरे लॉस सैंटोस के लोग हमारे पीछे पड़ गए कि भाई ये सोने की गाड़ी मैं कहां से लेके आया भाई। अरे भाई मेरे को भीड़ भड़क के मैं नहीं जाना, इस साइड लगा लेता हूं अपनी गाड़ी, वरना ये लोग भी मेरे चारों तरफ खड़े होकर पूछेंगे सेम क्वेश्चन कि भाई आखिर मेरे पास ये सोने की गाड़ी कहां से आई, और मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे और सिंचन के पास सुपर पावर से। आजकल तो लॉस सैंटोस में कोई हमला ही नहीं करता। अरे ये क्या क्या चमक रहा है, मेरी तो आंखें ही चौंधी आ गई, आखिर क्या है यहाँ पर, इन लोगों ने क्या छुपा रखा है? अरे वाओ ये तो एक गोल्ड कार है। सुमित भैया देखो आयरन मैन। ओ भाई सो आयरन मैन, आई एम योर जबरा फैन। आखिर तुम्हारी गाड़ी है क्या ये? हाँ हमारी गाड़ी है ये वाली। आपको चाहिए क्या? गाड़ी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या ये गोल्ड कार है? अरे हाँ ये गोल्ड कार है, प्योर गोल्ड कार है ये। वाओ मेरे पास मेरी कलेक्शन में एक भी ऐसी गाड़ी नहीं है, क्या तुम मुझे ये गाड़ी देना चाहोगे? और हाँ ले जाइए ले जाइए, इसको मेरे घर पर डिलीवर कर देना, ठीक है? आपके घर पर? ज्यादा चिल्लाओ मत, बताना मत किसी को। ओ माय गॉड सिंचन, आयरन मैन आया था और भाई उसने अपने घर पर आपको इनवाइट किया है यार। और तुम लोगों को ये तो पता ही है भाई, आयरन मैन का घर कितना ज्यादा एडवांस है भाई, लाखों में से सिर्फ 2 लोगों को मौका मिलता है, और वे 2 लोग और कोई नहीं हम दोनों भाई। आखिर कब हम आयरन मैन के घर पर जाएंगे? ओ भाई साहब, ओ माय गॉड लेट्स गो।
तो गाइस ये रहा आयरन मैन का घर। लेट्स गो गाइस, अंदर चलते भाई आयरन मैन के पास, के एक से एक गाड़ी होगी। ओ माय गॉड, गेट भी खोल दिया फाइनली आयरन मैन ने हमारे लिए। लेट्स गो गाइस, उस आयरन मैन की तो जय हो आयरन मैन बाबा की। अबे कोई बाबा वाबा थोड़ी सिंचन वो, उसमें जो भी हो जल्दी चलो गाइस, यार आयरन मैन के घर में है तुम्हारा भाई। लेट्स गो गाइस, मैं आ चुका हूं। आयरन मैन सर, आयरन मैन सर, ओ टोनी शार्क। अबे टोनी शार्क नहीं है वो, टोनी स्टार्क है। हुआ सुमित जो भी है, नीचे आ जाओ तुम लोग, नीचे हूँ मैं। ओके तो गाइस यार, हम लोगों को अभी नीचे जाना है। गाइस मैं जा रहा हूँ इस पर आयरन मैन के गोडाउन में, भाई इसके पास आर्मर होंगे एक से एक। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं। हाँ आखिरकार आ गए तुम लोग। ओ माय गॉड भाई आयरन मैन, आई एम योर जबरा फैन। सुन दे मैं भी तो हूँ, मैं अकेले को मत बताओ, मैं घर पर बुला। ये क्या हो रहा है भाई साहब, मैं डर गया एकदम। भाई देख रहे हो एक से एक सूट से, काश मेरे पास भी एक आयरन मैन का सूट होता, मजे आ जाते जिंदगी में। सुन दे देखो तो क्या खतरनाक जगह है। आयरन मैन आयरन मैन आयरन मैन करना छोड़ो, तुम ये बताओ आखिर ये वाली गाड़ी कितने में दोगे। ये वाली गाड़ी, मैं इस वाली गाड़ी को सेल करूंगा लगभग $10 million में, सिर्फ $10 million। कहो तो आपके लिए और काफी सारी गाड़ी हम डायमंड में कर सकते हैं। क्या कह रहे हो डायमंड में, मेरे पास एक भी डायमंड की कार नहीं है। जाओ लो टोनी अंकल, आपने बोला तो मैं आपकी ये वाली गाड़ी लो अभी डायमंड में कर देता हूँ एक सेकंड में बैठ के। ये लो, वाओ तुम तो बहुत खतरनाक हो सिंचैन, तुमने इस गाड़ी को डायमंड में कर दिया। मैं तो ही खतरनाक आदमी। लो मैं तुम्हें एक और गाड़ी देता हूँ मेरी, उसे भी डायमंड के अंदर कर दो। कौन सी वाली गाड़ी तुम्हारे पीछे? गाइस कौन सी वाली? ओ गाइस यहाँ पर तो लैम्बोर्गिनी भी आ गई, बहुत खतरनाक। लो मैंने इसको डायमंड में कर दिया। वाओ क्या ही खतरनाक लग रही है। अरे तुम लोग बहुत काम के हो, तुम लोग आज से मेरे घर में ही रहना। मैं जब तक जाता हूँ और बाहर जाके कुड़िया पटाता हूँ। क्या ही गाड़ी है, इस गाड़ी को देख के हर कोई पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। वाओ नाइस कार, चलो मैं चलता हूँ, ध्यान रखना घर का, आज तो मजा ही आ जाएगा। हो सिंचन तूने सुना? उसने सुन लिया। ओ भाई साहब चलो यार, तुम लोगों को जल्दी से आयरन मैन का खुफिया घर दिखाता हूँ। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर एक खतरनाक वाला भाई बाथरूम है, मेरे को लगा कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होगी। चलो चलो तुम्हें ऊपर लेके जाता हूँ, तुम लोगों ने कभी आयरन मैन का घर नहीं देखा होगा। ओ भाई यहाँ पर पियानो भी है, और गाइस यहाँ पर शैंपेन है काफी खतरनाक खतरनाक वाली। ओ भाई बहुत बड़ा टेडी बेयर, और गाइस यहाँ पर हम लोग टीवी देख सकते हैं बैठ के। आज से मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, और गाइस यहाँ पर अपने लिए जिम भी है, जिम विम शिम करते हैं, तुम्हारे भाई को पता ही है कितना ज्यादा पसंद है। ओ माय गॉड, ओ गाइस यहां पर क्या? ओके गाइस यहां पर हमारा बाथ लेने का और है, और यहां पर स्विमिंग पूल भी है। नाइस यार, बहुत तगड़ी जगह बना रखी भाई आयरन मैन ने। तो अभी ये क्या है यहाँ पर? अच्छा शीशा है क्या? मेरे को लगा नहीं पता कौन सी टेक्नोलॉजी जैसे। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। गाइस ये वाला बेडरूम मैं लेने वाला हूँ, आयरन मैन को बोल दूंगा इसमें मैं रहूंगा। और गाइस यहाँ पर देख रहे हो सेकंड बेडरूम है, नहीं यहाँ पर बेडरूम नहीं है, ये यहाँ पर रह सकते बस यहाँ पर। भाई ये थर्ड बेडरूम होगा पक्का। ओ माय गॉड यहाँ पर एक से एक पूरा कलेक्शन है यार कॉमिक्स का, मार्वल का। ओ माय गॉड यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, मस्त चिकन खाएंगे बैठ के। आप भाई यहाँ पर ये बाटा पैस के अंदर मैं नहाया करूंगा एकदम खतरनाक वाला। ओ भाई ये वाला बेडरूम है खुद टोनी स्टार्क का। ओ भाई इसके पास देख रहे हो गेमिंग पीसी भी है खतरनाक वाला। ओ भाई यहाँ पर भी टीवी लग रहा है, क्या ही खतरनाक जगह है। अबे टोनी स्टार्क वहाँ पर क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। चलो यार निकलते हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो आज से तुम्हारा भाई रहेगा टोनी स्टार्क के साथ। तो गाइस यार जल्दी शाउट आउट की बात कर लेते। पहला शाउट आउट जाता है धनेश्वर मोहंती को, सेकंड शाउट आउट जाता है अपना मंजो गुप्ता को, और तीसरा शाउट आउट जाता है अपना लालू राबारी को। और गाइस यार अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो जो मैंने बोला वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और गाइस हम मिलेंगे से कोई नए गेम प्ले में, जब तक ले सायोनारा।